फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएशन किचन। क्रिएशन किचन में आज हम लोग बनाने वाले हैं बॉयल्ड अंडे से सैंडविच। तो देखते हैं ये कैसे बनता है। ये बनाना बहुत ही इजी है, तो चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं एग सैंडविच। यहाँ पे मैंने 7 बॉयल्ड अंडे लिए हैं और इसे चॉप्ड कर लिया है। आप चाहे तो इसे और भी छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे अंडे को रफली चॉप्ड किया है। तो आप इस तरह से भी चॉप्ड कर सकते हैं या फिर इसे और भी छोटे छोटे काट सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे अंडे को चॉप्ड कर लिया है। अब एक पैन चढ़ाएंगे, उसमें 3 क्यूब बटर के डालेंगे और थोड़ा सा जीरा डालेंगे और इसे चटकने देंगे। और 2 मीडियम साइज का प्याज लिया है, इसे चॉप्ड कर लिया है। तो इसे लाइट पिंक कलर आने तक भूनेंगे, इसे चला चला के भूनेंगे। तो बहुत ज़्यादा इसे नहीं भूनना है। अब 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे ग्रेट करके लिया है। 2 हरी मिर्च, 2 मीडियम साइज का टमाटर लिया है, इसे भी चॉप्ड कर लिया है। अब प्याज के साथ इन्हें भी 1 से 2 मिनट भून लेंगे। ज़्यादा बिल्कुल नहीं भूनना है। और थोड़ा सा नमक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। सैंडविच में बिल्कुल हल्का नमक ही अच्छा लगता है। थोड़ा गरम मसाला डालेंगे और 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे टेस्ट के लिए। चाट मसाला से सैंडविच का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब चॉप्ड किए हुए अंडे को डाल देंगे, तो इसे भी अच्छे से प्याज और टमाटर के साथ मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से इसे प्याज और टमाटर के साथ मिक्स कर लेना है और चलाते हुए मिक्स करेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे अंडे और प्याज को चलाते हुए मिक्स कर लिया है। अब इसमें रफली चॉप्ड धनिया की पत्ती डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे अंडे के साथ। तो इसे बहुत हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है। अब इसमें मैंने क्रश करके काली मिर्च का पाउडर डाला है, तो इसे भी मिक्स कर लेना है अच्छे से। अब ब्रेड का स्लाइस लिया है, इसके ऊपर थोड़ा सा बटर को स्प्रेड कर लेंगे। ज़्यादा बटर नहीं डालना है क्योंकि पैन में भी हम बटर डालेंगे। अब यहाँ पे 1 से 2 चम्मच स्टफिंग लेंगे और इसे डालेंगे। आप चाहे तो स्टफिंग ज़्यादा या कम कर सकते हैं और ऊपर से दूसरी वाली स्लाइस ब्रेड से इसे कवर कर लेंगे और जो साइड से निकल रही है स्टफिंग उसे चाकू से दबा के सेट कर लेंगे। दूसरे वाले ब्रेड पे भी बटर को स्प्रेड कर लेंगे और इसके ऊपर भी स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग को डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से चारों तरफ फैला लेना है ताकि सैंडविच खाने पे जो स्टफिंग का टेस्ट है वो चारों तरफ से आए। और इसे भी कवर करके ऊपर से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि ब्रेड जो है स्टफिंग के साथ चिपक जाए। अब पैन में भी बटर डालकर स्प्रेड कर लेंगे और सैंडविच को इसके ऊपर डाल देंगे और छलनी से दबाकर इसे सेट कर लेंगे ताकि हमारी ब्रेड जो है वो निकले नहीं। और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। सैंडविच को लो टू मीडियम फ्लेम पे ही सेकेंगे और दोनों साइड से इसे क्रिस्पी करके सेकेंगे। तो इसीलिए इसे लो फ्लेम पे सेकना जरूरी है। लो फ्लेम पे सेकेंगे तभी हमारी सैंडविच जो है वो क्रिस्पी बनेगी। तो मैंने इसे सेक लिया है, अब इसे निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से निकाल लेना है अब और इसे चाकू से कट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने कट कर लिया है। देखो ये हमारी सैंडविच कितनी टेस्टी लग रही है देखने में। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।